नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। शिक्षा नीति का मतलब ये समझिए कि कब तक स्कूलों में पढ़ना है, ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, बोर्ड की परीक्षाएं कौन सी क्लास में होगी, इस तरह के नियम तय करने वाली नीति। और इन नियमों की एक नई नीति मोदी सरकार लेकर आई है, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नाम दिया गया है। क्या क्या बदलेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से आसान भाषा में। नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद क्या बदलाव आएगा, इसकी मोटी मोटी बातें आपको बिंदुवार बताते हैं। पहले बात करते हैं खास बातों की। केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड, कॉलेज की डिग्री 4 साल की, 10वीं बोर्ड खत्म, एमफिल भी होगा बंद। JNU जैसे संस्थानों में 45 से 50 साल के स्टूडेंट्स कई वर्षों तक वहां पड़े रहकर एमफिल करते हैं। ये सभी अयाशी वामपंथी विचारधारा वाले राष्ट्रद्रोही को संस्थान से अब हटाया जा सकेगा। अब 5वीं रैंक तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा, बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षाएं देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं में भी बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो कि अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षाएं होंगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में MA कर सकेंगे। अब स्टूडेंट्स को MPhil नहीं करना होगा, बल्कि MA के छात्र अब सीधे PhD कर सकेंगे। स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे अन्य दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वही नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स वो कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड अकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। उसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित होंगे, एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं, सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम। इस नियम के अनुसार नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की जा सकती है। सभी विद्यार्थियों और पालक इसे ध्यान से सुने, यहाँ सारणी से समझे कैसे होंगी क्लास और क्या होगा नाम। 5 years fundamental, nursery 4 years, junior KG 5 years, senior KG 6 year, standard first 7 years, standard second 8 years, 3 years preparatory, standard third 9 years, standard fourth 10 years, standard fifth 11 years, 3 years middle, standard sixth 12 years, standard seventh 13 years, standard eighth 14 years, 4 years secondary, standard ninth 15 years, standard SSC 16 years, standard FYGC 17 years, standard SYJC 18 years। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।